नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कमाल कर दिया है, बिहार वासियों को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया। देश में बिहार पहला राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली का प्रयोग किया जाता है। यहां शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली के इस्तेमाल के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से जो सफलता मिल रही है, अब वो धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी जाने लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम बिहार आकर यहाँ के स्मार्ट मीटर मॉडल को समझ रही है। केरल के अधिकारी भी बिहार मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं और जल्दी बिहार का दौरा करेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में बिहार पायोनियर स्टेट के रूप में जाना जाता है। देश में सबसे अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में ही लगे। इस मामले में बिहार अग्रणी भूमिका में जरूर सामने आया। बिहार के इस मॉडल की खासियत यह है कि संबंधित उपभोक्ता के पूर्व से बकाया सभी राशि जमा कराए जाने के बाद ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर डॉक्टर मनीष वाथ और सीजेएम अविनाश हवारे पटना पहुंचे और बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के अनुभवों के बारे में बातचीत की। इसके क्रियान्वयन के दौरान किस तरह की चुनौतियां सामने आई, इससे जुड़े फीडबैक भी लिए, कस्टमर फीडबैक भी लिए गए। उन्होंने ये तक जाना कि स्मार्ट मीटर लगाने में क्या क्या परेशानियां आई और लोगों को इससे क्या फायदा हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की टीमें भी बिहार आ चुकी हैं और बिहार के स्मार्ट मीटर मॉडल का अध्ययन कर चुकी हैं। यूपी की टीम ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के संबंधित अधिकारियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर जानकारी ली थी। अब इसके बाद यूपी की योगी सरकार भी राज्य में प्रीपेड मीटर के लिए सर्वे करा रही है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गर्व करने का मौका दिया और बिहार के जो बिजली प्लानिंग पर सरकार ने काम किया है, कहीं ना कहीं उससे योगी सरकार भी काफ़ी प्रभावित है। यही वजह है कि मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से जो अधिकारी हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं और इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।